हेलो गाइस, वेलकम टू हेलो टेक इंडिया। मैं हूँ दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। हम लास्ट वीडियो में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? अगर किसी मेथड के अगर किसी क्लास के अंदर सेम नेम से मोर देन वन मेथड्स हैं और उनके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और उनके पैरामीटर्स अगर अलग हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होते क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैं बता चुका हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म अगर किसी मेथड के अंदर सेम नेम से अगर मोर देन वन मेथड है तो वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर कंपाइलर आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स को एग्जीक्यूट करने के टाइम पे मीन्स रन टाइम पे, तो वो हमारे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं, जिन्हें हम डेड बाइंडिंग भी कहते हैं। और इसके जो एडवांटेज होते हैं, यानी कि आप इसे आसानी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप एट रन टाइम। एग्जीक्यूशन जो कंपाइलर है वो स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ अगर आप मेथड को अगर ड्राइव क्लास से ओवरराइड करेंगे बेस क्लास को, चाइल्ड क्लास मीन्स बेस क्लास को अगर इनहेरिट करेंगे आप चाइल्ड क्लास में, तो इसके लिए हम वर्चुअल मेथड और अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हम इसको कर सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वर्चुअल मेथड की, मेथड ओवरराइडिंग बाय यूजिंग वर्चुअल मेथड। तो इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो हमने एक यहाँ पे पब्लिक क्लास बेस क्लास बनाई हुई है जिसमें कि हमने एक वर्चुअल मेथड डिफाइन किया हुआ है चैनल नेम से, और जिसमें कि हमने रिटर्न टाइप दिया हुआ है स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है रिटर्न उसका स्ट्रिंग फॉर्मेट में दीप एनआईटी सॉल्यूशन, और एक चाइल्ड क्लास बनाया हुआ है हमने यहाँ पे। और जो वर्चुअल मेथड है उसको हमने यहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे ओवरराइड किया है, और उसमें भी हमने रिटर्न टाइप जो दिया है स्ट्रिंग टाइप का दिया है, और रिटर्न वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है हेलो टेक इंडिया। और हमने बेस क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया हुआ है। तो इनहेरिट किया हुआ है जब हम इसको कॉल कराएंगे, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि हमने एक चाइल्ड क्लास की हमने कॉपी बना करके उसमें डिफाइन कर दिया। हमने चाइल्ड क्लास की कॉपी बना करके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर हम इसको अभी कॉल कराएंगे तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी, मे बी यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई है, प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड कॉल तो करा दी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू की वो रिटर्न टाइप है, तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमें ये डिफाइन करना होगा। अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्रिंट मैसेज मिलेगा हेलो टेक इंडिया। हेलो टेक इंडिया जो है वो हम देखते हैं आप किस मेथड का की वैल्यू है। हेलो टेक इंडिया ये चाइल्ड क्लास के मेथड की वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और चाइल्ड क्लास की हमने एक कॉपी बना करके डाली थी, इसलिए हेलो टेक इंडिया यानी चाइल्ड क्लास के मेथड की जो वैल्यू है वो पास हुई है। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास की जगह अगर बेस क्लास लिखते हैं तो अब हमें कौन सी वैल्यू गेट होगी, ये हम देखेंगे। डीप एन आई टी सॉल्यूशन होगी, डीप एन आई टी जो सॉल्यूशन है वो हमारे वर्चुअल मेथड की ही वैल्यू है, क्योंकि हमने डायरेक्टली अब बेस क्लास की हमने एक कॉपी बना करके डाली है और उसको प्रिंट कराया है, तो हमें वर्चुअल मेथड की हमें वैल्यू गेट हुई है, यानी कि डीप एन आई टी सॉल्यूशन हो गया। ये तो हो गया हमारा वर्चुअल मेथड के थ्रू, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू कैसे यूज करते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट मेथड का हमने यहाँ पे एक पहले अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन की हुई है अब्स्ट्रैक्ट नेम से। अगर आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं लगाओगे तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मस्ट मैंडेटरी पार्ट है उसका। अगर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होती है तो वो प्रॉपरली अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती है। तो हमने यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड दी हुई है क्लास के अंदर, और उस क्लास का नेम है जो है बेस क्लास। तो ये जो चैनल नेम है वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हमने एक चाइल्ड क्लास डिफाइन की हुई है नीचे, और उसमें इनहेरिट क्या हुआ है हमने अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को। अब हम इसको अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको क्लास नेम सिर्फ क्लास देते हैं तो वो सिंपल क्लास होगा। अब यहाँ हमने कीवर्ड लगाया हुआ वेबसाइट का, तो हम इसको अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास बोलेंगे। यहाँ पे इनहेरिट क्या हुआ है, और हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास के मेथड में। तो इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट है, अगर इसी मेथड को अगर हम किसी को री यूज़ करेंगे तो सेम नेम से तो यूज़ नहीं कर सकते हम इसको, तो यहाँ पे हमें ओवरराइड लगाना होगा। तो ओवरराइड लगा करके हमने वॉइड चैनल नेम लिखा, और उसमें हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, हेलो वेलकम टू दी NIT सॉल्यूशन ब्लॉग। ओके, अब हमने यहाँ पर एक और मेथड क्लास जो है डिफाइन की हुई है, जिसमें जिसका नाम है क्लास सब चाइल्ड। उसमें इनहेरिट किया हुआ है हमने चाइल्ड क्लास को। देखिए यहाँ पे चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया बेस क्लास को, अब सब चाइल्ड जो है वो इनहेरिट कर रहा है चाइल्ड क्लास को, और मेथड उन्हीं की यूज़ कर रहा है, यानी कि सब अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही यूज़ कर रहा है, बट यहाँ पर ओवरराइड लगा करके। आप ओवरराइड लगा करके अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और उसका अपना अलग प्रिंट मैसेज है जिसका नेम है हेलो वेलकम टू हेलो टैग इंडिया। ये अलग है और ये अलग है। चाइल्ड क्लास का जो मैसेज प्रिंट है वो दीप NIT सॉल्यूशन से है, और सब चाइल्ड का जो मैसेज प्रिंट है वो हेलो टैग इंडिया के नाम से है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसके लिए हमें लिखना होगा चाइल्ड OBJ इक्वल में न्यू चाइल्ड। ओके, इसको हटाना होगा क्योंकि रीड लाइन के अंदर हम ऑब्जेक्ट को पास जब कराते हैं, जब हमारी जो वैल्यू रिटर्न टाइप को रिटर्न करें। अब देखते हैं मैसेज जो प्रिंट होगा वो है हेलो वेलकम टू दीप NIT सॉल्यूशन ब्लॉग। अब ये देखते हैं दीप NIT सॉल्यूशन ब्लॉग जो था हमारा चाइल्ड क्लास का है, चाइल्ड क्लास के मेथड को ही हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, यानी कि हेलो वेलकम टू दीप NIT सॉल्यूशन ब्लॉग। और अगर हम यहाँ पे सब चाइल्ड अगर करते हैं सब चाइल्ड, इसको रन करा करके देखते हैं। अभी आ रहा है हेलो वेलकम टू हेलो टेक इंडिया ब्लॉग। ओके, हेलो टेक इंडिया ब्लॉग। अब यहाँ पे हेलो टेक इंडिया यानी कि सब चाइल्ड को इसने कॉल कराया। तो ये देखिए, ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हमने रन टाइम पॉलीमोर्फिज्म यूज किया। अगर आप एक मेथड को अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर देते हैं तो उसी मेथड को आप रीयूज कर सकते हैं हर किसी क्लास के अंदर, बट आपको इनहेरिट करना होगा अब्स्ट्रैक्ट क्लास को, यदि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिट करने के बाद आप उसकी जो मेथड है अब्स्ट्रैक्ट मेथड है आप उनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो आई होप यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोई भी आपके पास क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पे हमारी जो वीडियो जो चैनल है हेलो टेक इंडिया, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे ब्लॉग पर भी जाकर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं, जिसका नाम है हेलो टेक इंडिया .blogspot.in और दीप NIT सॉल्यूशन .blogspot। Thank you for watching and keep supporting Hello Tech India channel. Please subscribe my channel. Thank you.